शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पेज नंबर 12 करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, तभी आप इस वीडियो में बताई गई हर बात से वाकिफ होंगे, हर बात को जान पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाए, यानी कि अंग या चंद्रबिंदु लगाए। तो आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया है कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। तो चलो करते हैं कि किस पर हमारी ये अनुस्वार की जो बिंदी होती है वो आएगी और किस पर अनुनासिक का ये चंद्रबिंदु आएगा। इसकी मैंने एक पहचान बताई थी कि जो आवाज़ झटके से बोली जाती है और नाक से बोली जाती है उसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, और जो शब्द थोड़ा लंबा बोला जाता है और मुँह से हवा निकलती है, मुंह से ज़्यादा और नाक से कम बोला जाता है, वो अनुनासिक होता है। अब इसको पढ़ के देखिए, ये क्या है? चांद। तो इसको हम चांद कहते हैं या चांद कहते हैं, बोलिए, चांद या चांद? देखिए, इसकी आवाज़ लंबी है चांद, और मुंह से हवा निकलती है इसको बोलते हुए चांद, नाक से बिल्कुल हल्की आवाज़ निकलती है, हल्की आवाज़ निकलती है, बाकी सारी आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है चांद। तो इस पे हमारा अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु आएगा। अब इसको बोल के देखिए, ये क्या है? ये हंस है या हंस है? क्या ये हंस या हंस? ये हंस है, तो इसका मतलब इस पे अनुस्वार आएगा। ये क्या है? अनुस्वार। ये क्या है? ये बंदर है या बंदर है? क्या है ये? बंदर या बंदर? ये बंदर है, झटके साथ बोला जा रहा है, तो इस पे अनुस्वार आएगा। ये क्या है? ये गन्ना नहीं है। क्या ये? लाठी भी नहीं है। ये यहाँ से पढ़ के देखिए, बांस। बांस से क्या बनता है? बांस। तो इसको बांस कहेंगे या बांस? क्या कहेंगे? बांस या बांस? हाँ, ये बांस है, इस पे अनुनासिक। क्या आएगा? अनुनासिक। ये क्या है? पंखा या पंखा है? क्या ये? पंखा। इसका मतलब अनुस्वार। हाँ, जो झटके से बोला जाता है पंखा, इसमें लंबी आवाज़ नहीं आती, पंखा, जो पै के बाद जो आवाज़ आ रही है वो छोटी सी आ रही है, पंखा। पांच, अब देखिए पा कितना लंबा बोला जा रहा है, पांच, तो चंद्रबिंदु। पूंछ, अब पूंछ कितना लंबा बोला जा रहा है, पूंछ नहीं बोल रहे इसको हम, पूंछ, तो चंद्रबिंदु। कंचा, कंचा नहीं बोल रहे इसको हम, क्या बोल रहे हैं? कंचा, तो इसका मतलब अनुस्वार। तो आपको मेरे बोलने के ढंग से अच्छी तरह पता चल गया होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या फर्क होता है। इनमें जो चंद्रबिंदु आएगा या फिर ऊपर केवल बिंदु आएगा, जो शिरोरेखा है उसके ऊपर बिंदु आएगा या फिर चंद्रबिंदु आएगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है? नीचे में दिया है घ, शेर ने गहरी सांस ली, गहरी सांस ली। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से ऐसे शब्दों पर गोला लगाएं जिनके साथ गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है। गहरी का मतलब जो हमारे है उससे नीचे हो, और ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ऊपर। अब हमें ये देखना है कि जो चीज़ धरती से नीचे है, अगर कोई वस्तु है तो वो, और बाकी कुछ है तो उसको बोलने के अंदाज से पता चल जाएगा। जैसे पहाड़ी, पहाड़ी ज़मीन से ऊपर होती है या नीचे होती है? जो नीचे होएगी वो गहरी होएगी, ऊपर वो गहरी नहीं होएगी। तो इसके साथ हम गहरी पहाड़ी नहीं कह सकते, हम ऊंची पहाड़ी कह सकते हैं। तो इसके साथ गहरी नहीं आएगा, इसके साथ हम लिख सकते हैं कि ऊंची पहाड़ी, परंतु हमें गहरी शब्द का प्रयोग करना है, बाकी के लिए हमें कुछ नहीं करना।
तो इसके साथ गहरी नहीं आएगा। खाई, हाँ ये हो सकता है कि गहरी खाई, जो जमीन से काफ़ी गहरी जगह होती है, जो काफ़ी लंबी नीचे गहरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, खाई। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि गहरी खाई। ये डाली, जो पेड़ की डाली होती है कभी भी गहरी नहीं होती, इसको हम यूं नहीं कहते गहरी डाली, इसको हम कह सकते हैं मोटी डाली, पतली डाली, ऊंची डाली। नींद, नींद के लिए हम कह सकते हैं कि वह गहरी नींद में सोया हुआ था, कि बहुत ज़्यादा जिसको नींद आई हुई हो, आसपास आवाज़ हो जाए तो भी अगर वो ना उठे, उसकी नींद ना खुले, उसको हम बोलते हैं गहरी नींद। तो इसके आगे भी हम कह सकते हैं कि गहरी नींद, वह गहरी नींद में सोया हुआ था। दीवार, दीवार जमीन से ऊपर होती है, इसलिए हम दीवार के बारे में भी ये कह सकते हैं कि ऊंची दीवार, गहरी नहीं होती, ऊंची दीवार। तो इसके आगे भी गहरी नहीं आएगा। नदी, नदी क्या होती है, जमीन से नीचे होती है, क्योंकि जो पानी होता है वो जमीन से नीचे चलता है, अगर ऊपर चले तो जमीन के ऊपर चारों तरफ भी घर जाएगा, तो ये भी नीचे होती है। तो इसके आगे भी हम क्या कहेंगे, गहरी नदी, गहरी नदी। ये है बारिश, बारिश ऊपर से गिरती है या नीचे गिरती है, नीचे से नहीं, ऊपर से नीचे गिरती है, ना कि और नीचे जाती है बारिश। तो ये बारिश के आगे भी गहरी का प्रयोग नहीं होगा। दोस्ती, दोस्ती के लिए हम गहरी का प्रयोग कर सकते हैं, कि वह मेरा गहरा, जैसे हम अपना प्रस्ताव याद करते हैं ना कि वह मेरा पक्का मित्र है, तो कई जगह हम ये लिखते हैं कि वह मेरा पक्का मित्र है, और कई जगह हम लिखते हैं कि वह मेरा गहरा मित्र है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं गहरी दोस्ती। हवा, गहरी हवा नहीं होती और गहरी छाया हो सकती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा छाया हो उसको हम कह सकते हैं गहरी छाया। तो आपको समझ में आ गया, जब हम बोल लेंगे जैसे गहरी बारिश हो रही थी, नहीं, अपने आप पता चलेगा कि ये गलत है, वह गहरी पहाड़ी पर चढ़ गया, गहरी पहाड़ी पर नहीं, गहरी खाई में गिर गया, गहरी नदी में गिर गया, वह गहरी नींद सो गया, या गहरी उनकी गहरी दोस्ती है, गहरी छाया में सो गया। तो इनके साथ अगर हम गहरी लगाएंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि इनके साथ गहरी का प्रयोग नहीं होता। तो चलो आगे चलते हैं। यह भी करे, लुका छिपी, लुका छिपी क्या होता है, लुका छिपी एक खेल आप भी खेलते होंगे, कि एक बच्चा बाहर जाके दस्तक गिनती करता है और हम अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, और फिर वो हमें बारी बारी से ढूंढता है, और जिसको सबसे पहले ढूंढता है फिर उसके बाद वो बाहर जाता है और दस गिन के आता है, इसी तरह खेलते हैं ना लुका छिपी। कुम्हार बरगद की खो में छिप गया, हमने पाठ पढ़ा था ना कि कुम्हार, जब शेर, उसको पता चला कि वो शेर पे बैठा है, तो वो डर के मारे शेर से उतर कर और उसकी जो बरगद की दाढ़ी थी उसको पकड़कर बरगद पे चढ़ गया और उसकी खो में छिप गया। लुका छिपी के खेल में आप कहाँ कहाँ छिपते हो, तो आप अपने आप करना, क्योंकि आप खेलते हो, मेरे को नहीं पता कि आप कहाँ कहाँ छुपते हो, फिर भी अगर मैं खेलता तो मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ छिपता, आप कहाँ कहाँ छिपते हो, वो आपको यहाँ पे भरना है। आपका पता है ना कि आप कहाँ कहाँ छुपते हो, तो आप, मैं कहता हूँ कि मैं उस चीज़ के पीछे छुपता हूँ, जैसे मैं गेहूं के ट्रंक के पीछे छुपता हूँ, हो सकता है कि आपके घर में गेहूं का ट्रंक ना हो, या फिर मैं गाड़ी के पीछे छुपता हूँ, हो सकता है कि आपके घर में गाड़ी ना हो, या फिर आप कहते हो कि मैं गाड़ी के पीछे छुपता हूँ, हो सकता है मेरे पास गाड़ी ना हो। तो आपको पता है कि आप कहाँ छुपते हो। मैं अगर आपकी जगह होता, मेरे से कोई पूछता, तो मैं क्या कहता, मैं दीवार के पीछे छुप जाता, मैं पलंग के पीछे छुप जाता, मैं मोटरसाइकिल के पीछे छुप जाता, मैं बाथरूम में जाके छुप जाता, मैं छत पे जाके छुप जाता, या मैं बिस्तर में जाके छुप जाता। तो आप देखना कि कहाँ कहाँ छुपते हो, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों आज ये हमने पेज नंबर 12 किया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो हमने ये अनुस्वार और अनुनासिक किए हैं, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये सभी के सभी आपको अपनी कॉपी के ऊपर उतारने हैं और अपनी बुक के अंदर भी करने हैं,
जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो कॉपी में उतारेंगे, और जिसके पास बुक है वो पहले यहाँ पे अनुनासिक और अनुस्वार जो भी है वो लगाएंगे और फिर अपनी कॉपी पर भी उतारेंगे, और अपने टीचर के पास उनकी फ़ोटो ज़रूर भेजना है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल शिक्षा क्रांति ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।